स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से इस मेथड का यूज हम एक्वस मीडियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं ऐसा करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन को एक ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करते हैं जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के कंपेयर में ज्यादा सोलिबल होता है इसके लिए हम कुछ ऐसे सेटअप का यूज करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लास्क में दो तरह के लिक्विड्स के लेयर्स हैं जिसमें एक लेयर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन का है वहीं दूसरा लेयर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का है जब हम इसको सेक करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलकर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ चले जाते हैं जिससे हमें कुछ ऐसा सेटअप मिलता है जिसमें नीचे वाले लेयर में केवल वाटर रह जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लेयर में चला जाता है सिंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाटर में होते हैं, इसीलिए पर एक लेयर दिखती है फिर इन दोनों लिक्विड्स के लेयर्स को अलग करके हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कंपाउंड को डिस्टिलेशन या फिर इवेपोरेशन की हेल्प से रिमूव कर लेते हैं आई होप आप डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे चलिए अब हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की क्रोमेटोग्राफी में वर्ड क्रोमा का मतलब होता है कलर इस मेथड को हम ये नाम इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे पहले इस मेथड का यूज हमने प्लांट से कलर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए किया था इस मेथड में हम एक स्टेशनरी फेज़ का यूज़ करते हैं जिस पर हम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को डालते हैं जो कि सॉलिड या लिक्विड हो सकता है इस स्टेशनरी फेज पर हम प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को पास करते हैं इसीलिए हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को मोबाइल फेज कहते हैं क्योंकि ये मूव करते हैं अब ये मोबाइल फेज के सब्सटेंस स्टेशनरी फेस पर एडजॉर्ब होने लगते हैं जिसके कारण हम इनको इनकी एडजॉर्बसन की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे जिसमें पहला मेथड होता है एडजॉब्सन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा मेथड होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एडजॉब्सन क्रोमेटोग्राफी से। इस मेथड में हम मोबाइल फेस से सब्सटेंस को एडजॉबेंट के ऊपर कंपाउंड के एडजॉब होने के डिग्री के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस के लिए जनरली एडजॉबेंट के तौर पर हम सिलिका या फिर एल्यूमिनिया जेल का यूज करते हैं एडजॉर्बन क्रोमेटोग्राफी भी दो तरह से होता है जिसमें पहला मेथड होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा मेथड होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अगर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम कि इस मेथड में हम एक कॉलम लेते हैं और उसमें एडजॉबेंट को भर देते हैं जो कि हमें कुछ इस तरह से दिखेगा फिर हम इस के ऊपर और mixture of compound को पास करते हैं। जब हम सॉल्वेंट को पास करेंगे तो सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड के साथ कॉलम में नीचे की तरफ फ्लो करेगा और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की एडजॉर्ब प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण इनके लेयर्स एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं जिनको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं फिर हम यहां से एडजॉर्बेंट को निकाल कर उसे ड्राई करके डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर एडजॉर्ब हुए सब्सटेंस को सेपरेट कर लेते हैं चलिए अब हम बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर हम एडेंट के एक थिन लेयर का यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में हम एक ग्लास प्लेट लेते हैं जिसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहते हैं और इस लेयर के ऊपर एक बेस लाइन बना होता है यह बेस यह इंडिकेट करता है कि जब हम इसको सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो सॉल्वेंट का लेयर इस बेस लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए और हम इस प्लेट के ऊपर एडजॉर्बेंट की एक काफी थिन लेयर लगा देते हैं इस थिन लेयर की थिकनेस जनरली 0.22 पॉइंट होती है यहां पर आप जो स्पॉट देख रहे हैं यह स्पॉट कंपाउंड्स के मिक्सचर का एक सॉल्यूशन होता है जब हम इस क्रोमैटोग्राफी प्लेट को सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो सॉल्वेंट इस प्लेट पर ऊपर की तरफ मूव करता है और सॉल्वेंट इस प्लेट पर जिस हाइट तक पहुंचता है उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं सिंस जब सॉल्वेंट प्लेट पर ऊपर की तरफ मूव करता है तो सॉल्वेंट के साथ साथ मिक्सचर में से कंपाउंड्स भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं और इन कंपाउंड्स का एडजॉर्पन की डिग्री अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग लेयर्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। अब यहाँ पर कंपाउंड्स का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन हम रिटार्डेशन फैक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं यहाँ पर रिटार्डेशन फैक्टर बेस लाइन से सब्सटेंस के डिस्टेंस और बेस लाइन से सॉल्वेंट के डिस्टेंस का रेशियो होता है जिस कंपाउंड के लिए यह रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होता है वह क्रोमैटोग्राफी प्लेट पर उतने ऊपर तक मूव कर पाता है और इसी रिलेटिव एडजॉप्शन के बेसिस पर ही हम कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं चलिए अब हम बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की इस मेथड में हम सेपरेशन सॉल्यूट्स की मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग की बेसिस पर करते हैं इस मेथड में हम स्टेशनरी फेज के तौर पर क्रोमेटोग्राफी पेपर को लेते हैं और मोबाइल फेज के तौर पर जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स को लेते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम उनके सेब के बेसिस पर दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं एक जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी पेपर को रोल करके एक सिलेंडर का फॉर्म देते हैं और इसमें बेस लाइन पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को लगाते हैं फिर इसे हम सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं और इस सेटअप को कार्डबोर्ड से ढक देते हैं वहीं दूसरे टाइप के सेटअप में हम क्रोमेटोग्राफी पेपर को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कट करके हैंग करते हैं फिर हम इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं यहाँ पर अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्पॉट्स को देखेंगे तो सिलेंड्रिकल क्रोमेटोग्राफी पेपर में स्पॉट बेस लाइन के ऊपर होता है वहीं सेकेंड केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पॉट इस लाइन से थोड़ा हाइट पर होता है दोनों ही केसेस में जब हम क्रोमेटोग्राफी पेपर को सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पेपर में प्रेजेंट कैपिलरीज के कारण ऊपर की तरफ मूव करते हैं और इन सॉल्वेंट के साथ साथ मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट भी सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव करते हैं लेकिन स्टेशनरी फेज में इनकी पार्टीशन डिफर होने के कारण ये एक दूसरे से अलग अलग हाइट्स पर इकट्ठे होने लगते हैं सिंस इन कंपाउंड्स का कोई पर्टिकुलर कलर होता है तो ये हमें डिफरेंट हाइट पर एक कलर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं और ऐसे कंपाउंड्स जो कोई कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं या फिर कहें कलरलेस होते हैं उनको हम यूवी लाइट या फिर किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के स्प्रे से डिटेक्ट करते हैं